डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई रहती है अकॉर्डिंग टू कॉपर केबल इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसको इंस्टॉल करना चाहे आप ओवरहेड कर रहे हैं या अंडरग्राउंड कर रहे हैं। मेंटेनेंस, अगर एक सिस्टम एक रूट हमने एक सेटअप हमने बिल्टअप कर लिया है तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें स्पेशल किस्म का टूल यूज़ किया जाता है इसकी मेंटेनेंस के लिए। स्प्लाइसिंग, अगर फाइबर हमारा कट जाता है किसी वजह से तो उसको स्प्लाइस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए इसको, फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन चाहिए, तो काफ़ी कॉस्टली होती है। फ्रेजिलिटी, बहुत नाजुक होती है ये, इसलिए अगर इसकी एहतियात नहीं करेंगे, एहतियात के साथ इसको हैंडल नहीं करेंगे तो ये ब्रेक हो सकती है और हमें बहुत से लॉसेस का नुकसानात हमें देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन की निस्बत जो भी हम कर रहे हैं, हाई स्किल्ड स्टाफ रिक्वायरमेंट, इसको इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए हाई स्किल्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो इसको अच्छे से जानता हो, जिसके पास स्किल्स हों इसको मेंटेन करने की, स्प्लाइस करने की, लेआउट करने की। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, इसके लिए जो इक्विपमेंट होता है फाइबर का, जो एंड टू एंड लगता है सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसमिट साइड पे और रिसीवर साइड पे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे ऑप्टिकल फाइबर के।